प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अलाई खान जी ने ओवैसी पे किया 10 करोड़ का केस, और ओवैसी की जो रजाकार फौज है उसे भी आड़े हाथों लिया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इनका नाम जैसे ही हैदराबाद में घोषित हुआ, वैसे ही अवेसी के रजाकार फौज और लुंगी छाप फौज को लग गई मिर्ची लुंगी के अंदर। और ऐसी मिर्ची लगी कि ये लोग अपने अपना सही शक्ल सामने लेकर के आ गए। अवेसी जो बिना मूंछ के दाढ़ी रख करके, शेरवानी पहन करके, सर पे टोपी रख करके अपने आप को बहुत इस्लामिक साबित करता था, अपने आप को बहुत मजहबी साबित करता था, अपने आप को बहुत खुदा परस्त साबित करता था, अपने आप को प्रॉफेट मोहम्मद का सबसे बड़ा फॉलोअर साबित करता था, आज उसके चेहरे से हिजाब खुल गया, आज उसका पर्दाफाश हो गया। अवेसी जो हिजाब पहनाने के लिए औरतों को सलाह मशवरा दिया करता था, आज अवेसी का हिजाब माधवी लता ने खोल दिया। हैदराबाद के चार मीनार का पूरा चिट्ठा मैंने खोला। जब मैं हैदराबाद पहुंची माधवी लता जी की कंपेनिंग में, तो मैंने चार मीनार विजिट किया। वहां पर मैंने देखा कि चार मीनार और हैदराबाद ओल्ड सिटी को कैसे अश्लीलता का बाजार और कोठे कोठा का छत बनाया गया है, और कैसे वहां पर बेटियां जो हैं, मासूम बेटियां खरीदी और बेची जाती हैं, कैसे हलाला सेंटर खुला हुआ है और मासूम मुसलमान बहनें मेरे कंधे पर जो रोई हैं और जो कल्पी हैं और जो अपने मुसीबत के हालात को उन्होंने मुझे बताया है। मैंने उसके वीडियो को म्यूट करके बाकी सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो है वो मैंने डाले सोशल मीडिया पर। अब जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर डाला, अवेसी और अवेसी के रजाकार फौज जो है वो घबरा गए कि नाजिया तो सारे मैटर लेकर के चले जाती है सुप्रीम कोर्ट, कहीं ऐसा ना हो कि हैदराबाद की 100 बेटियों को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। अब जैसे जैसे कंपेनिंग चल रही थी, वैसे वैसे अवेसी के 40 साल का अब्बू जान से लेकर के छोटे और बड़े अवेसी का पोल पट्टा माधवी लता जी ने खोला। 5 लाख से ऊपर बोगस वोटर्स का चिट्ठा माधवी लता जी ने खोला, और इलेक्शन कमीशन को वो बोगस वोटर्स, वो घुसपैठिया वोटर्स को कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद जिस दिन मैं हैदराबाद पहुंची थी, उस दिन माधवी लता जी के ऑफिस में काफी अफरा तफरी थी, काफी लोग भरे हुए थे। तब मैंने पूछा कि हुआ क्या है, उन्होंने बताया कि ऐसा है कि 80,000 लोग मेरे ऑफिस के बाहर खड़े हैं कि उनका वोटर आईडी कार्ड से नाम हटा दिया गया है और उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया है, मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। अवेसी जीतने के लिए, उस गद्दी को बनाए रखने के लिए उसने जो चिटिंगबाजी और जो चोरी और जो डकैती और जो अश्लील हरकतें की है, उसका पर्दा फाश हो चुका है, एकदम सही तरीके से फाश हो चुका है। अब मैं आपको, आप सबको पता है कि भारत में एक बहुत बड़ी मस्जिद का की नींव रखी गई है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। सबको पता है अवेसी की क्या राय है उस मोहम्मद बिन सलमान मस्जिद के बारे में, वो मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहती हूँ, ताकि मैं बोलूंगी तो फिर मुसलमान मुझे गालियां देंगे, गंदी गंदी सड़ी सड़ी गालियां देंगे, क्योंकि गाली देना तो सुन्नत रसूल है इनके लिए, मुसलमानों के। ये जो पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान है, ये अपना फर्ज समझते हैं दूसरे को गाली देना। और देखिये, महिला को गाली देना किसी, देखिए मैं मुजफ्फर भाई इस बात को पहले क्लियर करूं, मुसलमान नमाज पढ़ता है क्योंकि फर्ज है, मुसलमान रोजा रखता है क्योंकि फर्ज है, मुसलमान तहज्जुद करता है क्योंकि नफिल है, मुसलमान जकात और फितरा करता है क्योंकि क्योंकि सुन्नत है, सुन्नत रसूल में आता है। मुसलमान हर वो फराइज अंजाम करता है और देता है, और हर वो सुन्नत रसूल को मानता है जो इस्लाम के मजहब की किताब और अल कुरान में लिखा हुआ है। अगर मुसलमान मुझे गंदी गंदी सड़ी सड़ी मेरी माँ बहन को लेकर के गालियां दे रहा है,
और अपनी शब्दावली से मुझे मेरे मुझे निर्वस्त्र कर रहा है, मुझे बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, अपने अपने लहजे और जुबान से मेरे उजू के हर एक अंग को घीट रहा है, तो ये भी सुन्नत रसूल होगा। अगर नहीं होता तो कभी नहीं देता गाली, क्योंकि इस्लाम के परे तो कोई काम मुसलमान मर्द करते ही नहीं है ना। चार शादी सुन्नत के हिसाब से करते हैं, तो सुन्नत के हिसाब से गाली देना। आपने मुझे स्क्रीनशॉट जो रात भेजे थे, यकीन माने कि मैं नहीं पढ़ सका, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये कैसा मुसलमान है। उसका नाम देखे, नाम उसका मोहम्मद साकिब नाम। आप लोगों को दिखाइए, आप जनता को दिखाइए, जनता पढ़े पढ़े कि मुसलमानों के लिए सुन्नत रसूल में कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत गालियां होती हैं, तभी तो मुसलमान देता है इतनी खूबसूरत गालियां, नहीं तो क्यों देता। आप कुछ दिखाने वाली थी, देखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के बारे में असदुद्दीन अवैसी का क्या ख्यालात है वो सुनिए। इनका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर असदुद्दीन अवैसी साहब के हिसाब से कोई मुसलमान को नहीं जाना चाहिए उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर लाहौल पढ़ाए उन्होंने, लाहौल विला कुवत पढ़ाया, मैंने सुना दिया भाई। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर असदुद्दीन अवैसी साहब थूकते हैं, ये उन्होंने खुद बोला है भाई, मैं नहीं बोल रही, ये उन्होंने खुद बोला। कैसे ये मुसलमान है, ये क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने दिखाया है कि माधवी लट्टा के ऊपर वो कैसे वो चिल्ला रहा था और बड़े वो सुकून के साथ सुन रही हैं। मैं बड़ा उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि वो खामोशी के साथ उनको सुन रही हैं और कोई रिएक्ट नहीं कर रही। वहां पर भी देखें, अगर वो थोड़ा सा कॉल करती कि जी यहाँ पर ये मुझे मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं या मेरे, तो वहां पर बहुत बड़ा दंगा एक हो सकता था। और उसी चीज को इन्होंने कहना था जी ये देखें जी मुसलमानों के ऊपर जी अटैक किया गया है और ये किया गया है और वो किया गया है, तो यहाँ पर तो उन्होंने बड़े पेशेंट के साथ उन्होंने वो सारी चीजों को बर्दाश्त किया है और उनको इस चीज की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बर्दाश्त किया, उसका रिएक्ट नहीं किया उन्होंने। अब मैं आपको भारत में मोदी जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्योंकि अवैसी तो पाकिस्तान के रजाकार का फौज है, इसलिए वो पाकिस्तानी मुसलमान को खुश करने के लिए अपनी बात करता है और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर लाहौल पड़ता है और थूकता है। भाई मैं तो नऊज़ु बिल्ला ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे मोहम्मद साहब का नाम है वहां पर, उनके अबू जान का नाम है, मैं तो नहीं कर सकती। अब मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमानों को क्या दर्जा मिला है वो मैं उस व्यक्ति के मुंह से मुंह जुबानी सुना देना चाहती हूँ आपको। अप्लाई करते रहा
ये मौलवी साहब पांच साल से कांग्रेस के जमाने में 60,000 रुपए खर्च कर करके इन्होंने भारत रत्न अवार्ड के लिए इन्होंने अप्लाई किया, रद्द कर दिया जा रहा था। फिर इन्होंने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई इन्होंने बंद कर दिया अप्लाई करना, और इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने बंद कर दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के लिए कुछ करती नहीं है। पर अचानक से 25 जनवरी 2024 को इनको कॉल आया होम मिनिस्ट्री से, अमित शाह जी के ऑफिस से, कि आपको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा, आप आकर के अपना अवार्ड लेकर जाए। अच्छा, आप जो आपने ये मुकदमा किया है, ये नोटिस भेजा है वैसी साहब को, वो उसके उनको घसीटेंगे, वो बच के निकल जाएंगे, क्या बनेगा क्या उनके साथ? देखिए, अवैसी साहब के रजाकार की फौज बहुत बड़ी है, और मुझे रोकने के लिए, मुझे डराने के लिए, या माधवी लता जी को डराने के लिए, या हम लोगों को बेआबरू बेइज्जत करने के लिए, ये मोहसिन एक्स जैसा और एक शेख कौन है, ये लोग जैसे लोग बहुत हमारे पीछे पड़ेंगे, बहुत पीछे पड़ेंगे। लेकिन मैंने जिस हिसाब से 10 करोड़ का मुकदमा उनके ऊपर दायर किया है, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक डेफेमेशन नोटिस भेजी हूँ और लीगली भेजी हूँ। अब इसके बाद फिर मैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्रिमिनल तरीके से भी करूंगी, आईपीसी सीआरपीसी संवैधानिक तीनों तरीके से मैं असदुद्दीन अवैसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगी। तीसरी चीज है कि मैं मोहम्मद बिन सलमान को मैं चिट्ठी भेज रही हूँ, और उनके इस स्टेटमेंट के साथ कि अवैसी साहब बैठ करके इंटरव्यू पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर थूक रहे हैं और लाहौल पढ़ रहे हैं और भारत के मुसलमानों को मना कर रहे हैं कि उस मस्जिद में मत जाना नमाज पढ़ने के, तो ये जो चीजें हैं, ये गंदी गंदी गालियां देने से और दिलवाने से ना मैं रुकने वाली हूँ और ना ही माधवी लता जी रुकने वाली। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाइका जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिया लाई खान जी ने ना सिर्फ ओवैसी को एक्सपोज किया, बल्कि जो उसकी रजाकार फौज है, जो आजकल नाजिया खान जी और माधवी लता जी के पीछे पड़ी है, उनको माँ बहन की गालियां सड़ेआम सड़क पे दे रही है, जिसकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल है, उन्हें भी आड़े हाथों लिया, उनको भी एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।